हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम अस्तर वाले प्लाजो पैंट की कटिंग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो लाइनिंग है उस पर मार्किंग करेंगे, और उसके बाद हम मेन कपड़े पे। तो ये देखिए, लाइनिंग का कपड़ा लिया है मैंने और इसको मैंने डबल कर लिया है। ये देखिए, पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। हाँ, फ्रंट में हमारे ऊपर से बेल्ट लगेगी और पीछे हमारे में इलास्टिक डलेगी। तो सबसे पहले हम नाप देख लेते हैं। तो पैंट बनाने के लिए हमें तीन नाप की ज़रूरत होती है, एक फुल लेंथ और वेस्ट और हमारा जो बॉटम जो मोहरी होती है उसकी। तो जिस साइज़ का मैं बना रही हूँ उसमें 36 इंच, सॉरी जिस नाप का मैं बना रही हूँ उसमें 37 इंच हमारी लेंथ है, वेस्ट हमारी 36 इंच है और बॉटम हमारा 13 इंच है। तो इस नाप के अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें वेस्ट का नाप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जहाँ पे आप पैंट पहनते हैं वहाँ से आपको नाप लेना है अपना, और उसी के हिसाब से हमारी मार्किंग होगी। जो हम सूट में नाप लेते हैं वेस्ट का, वो नाप नहीं रखना है आपको, ना ही हिप का नाप लेना है इसमें। आपको जहाँ पहनते हैं वहाँ से आप इंच टेप से नापिए, और फिर उसी के हिसाब से जो आपकी वेस्ट निकलती है उसी के हिसाब से मार्किंग होगी हमारी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो देखिए, अगर कपड़ा आप ऊपर से बराबर नहीं है तो पहले आप उसको बराबर कर ले, और इसके बाद हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ हमारी 37 इंच है। तो देखिए, 37 इंच पर निशान लगाएंगे हम। ऐसे मिला लेंगे देखिए। और अब नीचे हम मार्जिन लेंगे। तो अगर आपको करीब 1 इंच का फोल्ड करना है तो करीब आप 2.5 इंच मार्जिन लें, मगर मैं थोड़ा चौड़ा फोल्ड करूँगी तो मैं 3.5 इंच मार्जिन ले रही हूँ। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और अब देखिए, निशान लगाएंगे अपनी वेस्ट का। तो मैं 11 इंच पर निशान लगाऊँगी। वेस्ट और आसन किस तरह से निकालते हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। इनके लिए फॉर्मूले यूज़ होते हैं तो आपको देख के अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए, हमारा 11 इंच निकला था वेस्ट, और आसन हमारा 13 इंच था। तो 13 पर निशान लगा लूँगी मैं। ये आपको हर साइज़ में यही फॉर्मूला यूज़ करके निकालना है अपना। इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। आपकी वेस्ट चाहे जितनी है, मगर आपको इसी तरह से वेस्ट में 2 इंच प्लस करना है और आसन में 4 इंच प्लस करना है। और अब देखिए, ऊपर से हमने वेस्ट 11 इंच रखी थी, अब इसका हम हाफ़ करेंगे। तो 11 का हाफ होगा 5.5 इंच। तो इस तरह से देखिए, हम 5.5 पे निशान लगा लिया है। देखिए, इस तरह से हम सारे में 5.5 पे ऐसे ऐसे निशान लगा लेंगे। हमें सेंटर निकालना है देखिए इसका। और अब देखिए, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसे। पूरी एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है सीधी। 20 सेंटर ले लिया है। और अब देखिए इसके बाद, और अब देखिए इसके बाद हम यहाँ 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब आसन की गोलाई देंगे अपने। गोलाई देंगे आसन की। यहाँ से निशान लगाएंगे अपने हम डार्ट का। यहाँ से निशान लगाएंगे डार्ट का। तो 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी मैं डार्ट का। हमारे फ्रंट में डार्ट डलेगी, बैक में डार्ट नहीं डलेगी। तो इस तरह से देखिए, 3.5 पे निशान लगा लिया है, और दोनों तरफ से 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे हम। ये डार्ट हमारे सिर्फ फ्रंट पार्ट में आती है, बैक में डार्ट नहीं डलेगी हमारे। और अब देखिए, निशान लगाएंगे पॉकेट के लिए। यहाँ से करीब हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे, और फिर ये हम 6 इंच पे पॉकेट में निशान लगाएंगे। ऊपर से हमें 1 इंच छोड़ के फिर 6 इंच पे निशान लगाना है। फ्रंट पार्ट में देखिए हमारी पॉकेट लगेगी दोनों तरफ। देखिए, पॉकेट निशान भी हो गया है हमारा। और अब देखिए,
और हम नीचे देखिए बॉटम का निशान लगाएंगे, तो बॉटम हमारा 13 इंच था, तो उसका हाफ होगा 6.5 इंच, और इसमें हम देखिए 6.5 का भी हाफ ऑफ करेंगे। देखिए 3.25 हमारा इस तरफ आएगा, 3.25 हमारा उस तरफ आएगा, ये देखिए इस तरह से 3.25 पे निशान लगाएंगे। इसे मार्जिन कोई नहीं लेना है आपको, जितना आपको निकलता है हाफ करके उतना ही निशान लगाना है आपको। देखिए 3.25 दिन में मैंने निशान लगा दिया है। और देखिए अगर आपके पास कोई शेप पट्टी है तो उससे आप निशान लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही फ्री हैंड से भी देखिए गोलाई दे सकते हैं। इस तरह से आपको नीचे तक देखिए मिलाना है। देखिए यहाँ से आपको सीधा निशान लगाना है, यहाँ से गोलाई नहीं देनी है। देखिए इस तरह से टेप को रख के और सीधा देखिए आपको निशान लगाना है। देखिए और अब देखिए नीचे से थोड़ा जो हमने मार्जिन लिया था, इस तरह से हम थोड़ा तिरछा निशान लगाएंगे। इस तरह से तिरछा निशान लगाने से हम जो फोल्ड करते हैं इसको तो अच्छे से फोल्ड होता है, झोल नहीं आता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये मार्किंग हो चुकी है, अब इसे हम कट कर लेते हैं। और देखिए अब जो हमारे डार्ट का निशान था वहाँ हमें कट लगाना है, और जो पॉकेट का निशान था वहाँ भी हम कट लगा देंगे ताकि हमको पता रहे। और अब चलिए बैक पार्ट को कट करते हैं। तो देखिए लाइनिंग को मैंने दोबारा से इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है, और अब बैक पार्ट को हम 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। देखिए 3 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और इस निशान को सीधा कर देंगे। देखिए ये बैक में हमारी इलास्टिक आएगी, तो उसके लिए हम देखिए 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, और इसके बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको अच्छे से सेट कर लेंगे इसमें हम। ये देखिए इस तरह से बैक पर ज़्यादा चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसमें हम 3 इंच ऊपर लेंगे एक्स्ट्रा, और साइड से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। देखिए 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से, इसीलिए हम फ्रंट पार्ट में मार्जिन नहीं लेते क्योंकि हमारा बैक में एक्स्ट्रा कटता है। देखिए इस तरह से हम पूरे में हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे नीचे तक, और इनको देखिए मिला लेंगे। सिर्फ यही चेंज होगा देखिए हमारे बैक पार्ट में। अब देखिए इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा बैक और फ्रंट पार्ट दोनों कट हो चुके हैं, और अब इसकी हम पॉकेट कट करेंगे। तो देखिए मैंने पॉकेट के लिए कपड़ा लिया हुआ है, देखिए ये इस तरह से मैंने डबल किया हुआ है क्योंकि दोनों पॉकेट हम एक साथ कट करेंगे। फिर इसको मैंने एक बार और फोल्ड कर दिया, तो ये 4 फोल्ड हो गया है। एक साइड से जो देखिए मेरी तरफ वाली साइड है वो बंद साइड है, और देखिए इसकी लेंथ हम लेंगे 13 इंच। 13 इंच की पॉकेट हमारी काफ़ी फिट रहती है, और चौड़ाई में देखिए इसे हम 7 इंच लेंगे। देखिए इस तरह से, और खुल के 14 इंच होगी। ये देखिए, और देखिए यहाँ से अब हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर नीचे की तरफ से, और ऊपर से हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। और देखिए इस तरह से हम इसे तिरछा मिला देंगे, और यहाँ से हम गोलाई देंगे जो हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया था, देखिए वहाँ से हम गोलाई देंगे। इसे कट कर लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी पॉकेट कटिंग हो चुकी है, दिखाती हूँ खोलकर आपको। तो देखिए हमारी दो पॉकेट कट हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारी पॉकेट है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी कटिंग हो चुकी है लाइनिंग की। अब हम जो मेन कपड़ा है उसके ऊपर रखकर हम कटिंग करेंगे। तो बिल्कुल आपको इसी साइज़ से कट करना है, बस कपड़े को देखिए, कपड़े के ऊपर आपको लाइनिंग को देखिए इस तरह से रखकर सभी पार्ट को आपको कट कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो मेन कपड़ा था वो भी कट कर लिया है लाइनिंग को रखकर, और कटिंग इसकी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और स्टिचिंग की वीडियो मैंने पहले अपलोड की हुई है, तो वहाँ से देखकर आप इसको सिलना सीख सकते हैं। सिर्फ आप इसमें इतना फ़र्क होगा, लाइनिंग है तो लाइनिंग को आपको जो मेन कपड़ा है उसके साथ रखकर आपको एक सिलाई को बड़ी कर पूरे में आपको सिलाई लगा के लाइनिंग को अटैच कर लेना है एक साथ मेन कपड़े के साथ। और उसके बाद आपको सिंपल जैसे स्टिचिंग होती है पैंट की, वैसे ही करनी है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, पैंट की कटिंग और स्टिचिंग का, तो वहाँ से देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।